हेलो वेलकम। आज हम बनाएंगे डाकोर का गोटा, डाकोर ना गोटा बनाईशु आपणे आजे। तो एना माटे पहला आपणे एक बर्तन में हमने चने का आटा लिया है, जो बारीक चने का आटा आता है वो लेने का है, जैसे पिसा हुआ थोड़ा सा, जैसे मगज का आटा आता है वैसे थोड़ा सा पिसा हुआ, वैसे हमको चने का आटा लेना है। और उसके अंदर हम डालेंगे साइट्रिक एसिड, यानी कि लेमन के फूल जो खट्टे होते हैं वो डालेंगे, गरम मसाला, शुगर, गार्लिक इसमें नहीं डालना है, तो इसमें सिर्फ हम डालेंगे जिंजर और ग्रीन चिली। ये हमने मेथी ली है, ग्रीन मेथी लीव्स, फ्रेश है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास कसूरी मेथी ड्राई है तो भी आप अंदर यूज़ कर सकते हैं, और खरी अंडा भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो खरी अंडा भी आप थोड़े से कट करके अंदर वॉश करके डालें। मेथी डालनी है थोड़ी सी, थोड़ा सा दूध, ब्लैक पेपर, ड्राई धनिया, सूखा हुआ धनिया, तिल, योगर्ट और ऑयल। तो ये सब हम, ये चने का आटा है जो हमने ककरा लिया है, थोड़ा सा बारीक चने का आटा, उसको थोड़ा सा हमने हल्का सा भून लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सेक लेना है आपको, करीबन 2 से 3 मिनट तक सेक के आप उसमें ये सब इंग्रेडिएंट्स अंदर हम एक एक करके चने के आटे में मिक्स करेंगे, और इसका हम जैसे पकोड़े या गोटे बनाते हैं उस तरह से हम इसका आटा बनाएंगे। ये हमने चने के आटे में सब हमने इंग्रेडिएंट्स अंदर एक एक करके ऐड कर दिया है, और इस तरह से पानी डाल के हमने ऐसा गोटे का आटा बना के रख लिया है। तो आप इस तरह से अंदर सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लीजिए जो हमने आपको पहले बताए थे। जिंजर चिली वो हमने क्रश करके डाल दी है, ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया, ड्राई धनिया सूखे हुए वो भी हमने क्रश करके थोड़े से अंदर डाल दिए हैं, तिल, शुगर, योगर्ट, गरम मसाला, साइट्रिक एसिड, लेमन का जो छोटा छोटा फूल, लेमन नींबू के फूल उसको बोलते हैं, वो भी हमने डाल दिए हैं, और इसको अच्छी तरह से सब मिक्स करके जो थोड़ा सा दूध हमने लिया था वो भी डाला है अंदर, और 2 टेबलस्पून जितना आप कच्चा ऑयल भी अंदर डाल दीजिए, और फिर पानी से अच्छी तरह से ऐसे, बहुत ढीला नहीं, इतना जैसे गोटा बनाए उस तरह से आप इसका आटा बना ले, और सब मिक्स करके आप थोड़ा सा चख लीजिए इसको, आपको जितना खट्टा मीठा चाहिए उस हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, तो ये आप उस तरह से बना लीजिए। और गरम जैसे ऑयल होता है हमारा, उसमें हम एक एक करके अंदर हम ऐसे घड़े को हम छोड़ देंगे ऑयल में, मीडियम आंच पे करेंगे पहले, और फिर उसको अच्छी तरह से पहले ऑयल गरम कर लीजिए, फिर मीडियम आंच कर दीजिए, क्योंकि ये फुल आंच पे हमको पकाना नहीं है, थोड़ी सी धीमी आंच पे हमको पकाना है। तो आप पहले ऑयल प्रॉपर गरम कर लीजिए, उसके बाद अंदर एक एक करके ऐसे गोटे आप अंदर रख दीजिए, और उसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन गुलाबी ब्राउन हो तब तक आप इसको पका लें। ये आप देख सकते हैं ऐसे इसको अच्छी तरह से एक साइड हो जाए, फिर इसको पलटाना है, तुरंत नहीं, क्योंकि तुरंत पलटाएंगे तो आप चिपक जाएंगे ये एक दूसरे से, तो पहले उसको अच्छी तरह से एक साइड पकने दें, और उसके बाद अच्छी तरह से ऐसे इसको घुमा के और रख लें। तो ये हमारा आज की रेसिपी डाकोरना गोटा रेडी हो गई है। तो आप इसको गर्मा गर्म योगर्ट के साथ या चिली, ग्रीन चिली के साथ, फ्राई की हुई चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए।
ये आप कोई गेस्ट आए हैं तो भी आप इजी रेसिपी है, तो आप उसको नाश्ते के लिए भी आप बना सकते हैं। और आपका मन चाहे कब कब आपका मन हो, जब ठंडी का वेदर हो, मौसम हो ऐसा, तो भी आप इसको गर्मा गर्म बना के आप इसको खा सकते हैं। ये एक बहुत ही फेमस डाकोर का गोटा है, जो हमारे इंडिया में गुजरात में डाकोर गांव है उसमें बहुत फेमस, यानी कि बहुत प्रख्यात है ये गोटा। तो आप इसको बना के ट्राई कीजिए, खाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।